सरकार ने पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर शहर की आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा है, जिससे कि बाहर निकलने से बचा जा सके। राज्य सरकार ने अनुरोध को देखते हुए नास्काम ने अपने सभी सदस्यों को सलाह दी है कि वे जहां तक संभव हो अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति प्रदान करें। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। इसी वजह से राज्य सरकार ने शुक्रवार और शनिवार को हैदराबाद के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी। इस बीच राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए दो चौपर्स को तैनात किया है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर हैदराबाद के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे। देयर इज वेरी लाइकली ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन्स, वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 to 5 days. Telangana state is very likely to receive widespread rainfall activity in many places of the Telangana state with 1 or 2 heavy to very heavy spells during next 2 days in many districts of Telangana state.